नमस्कार, मैं प्रवीण पांचाल अपने घर से ही मैं आज बोल रहा हूँ। ये लड़का है, इसको उसने बाइट हुआ है, जो सिठेड़ी गांव से है। अभी किसी सांप को रेस्क्यू कर रहा था बिना किसी जानकारी के, तो अभी ये बताएगा कि कैसे कैसे इसके साथ हुआ। मेरा नाम अभिषेक है, मैं गांव से टेढ़ी से हूँ। तथा हमारे गांव में नाले में एक सांप था जिसको बहुत सारे लोग पकड़कर मारना चाह रहे थे, तो मैंने अंकल को फोन कर दिया था। इतने अंकल वहाँ आते इतने सांप को मार देते, इसलिए मैंने आए देखा ना ताए देखा सांप को पकड़ लिया और उसने मेरे काट लिया, जिस कारण मेरी माँ बहुत डर गई और मुझे अस्पताल ले आई। फिर वहाँ अंकल जी आ गए थे। तो दोस्तों, जैसे ही इसको सांप ने काटा, तुरंत मैंने इनको बोला कि मुझे सांप दिखाओ या फिर निशान दिखाओ। तो ये सांप नहीं दिखा पाए, उनको पैक कर दिया सांप को, और निशान भी नहीं दिखा पाए। वहाँ से जो चल चुका, तो मैंने आप हॉस्पिटल में उसको लेकर, कह लो ठीक है जी। तो हॉस्पिटल में जैसे ही लेकर मैं यहाँ से तुरंत पहुँच गया, और जाते ही मैंने इसको निशान देखा, तो वो निशान एक चेकर्ड किलबैक स्नेक, जो वहाँ देखा मैंने, सांप भी देखा, उसका निशान देखा, तो चेकर्ड किलबैक था जो बिल्कुल बिना जहर वाला होता है, उसने काटा। तो मैंने हॉस्पिटल में जो डॉक्टर लोग हैं उनको बोला जी इसमें इसकी ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक टीटी इंजेक्शन लगाओ तो ठीक हो जाएगा। लेकिन जो इनकी मम्मी है काफ़ी डरी थी, आप समझते हैं कि मम्मी कितनी डरती है बच्चे के प्रति, तो ये काफ़ी डरी हुई थी। हालांकि जो डॉक्टर लोग हैं हॉस्पिटल के हमारे यहाँ खतुल्ली के, बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। मैं तुरंत इनका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, और जैसे मैं टेम्पो पहुँच गया तो मैंने उन लोगों को अपने विवेक से मैंने उनको मना कर दिया कि आप इनको एंटीवेनम वगैरह मत दो, क्योंकि जब स्नेक बाइट होता है वो वेनम वाला सांप नहीं होता, जहर वाला नहीं होता, तो उसमें एंटीवेनम नहीं लगाना चाहिए। तो मैंने उन लोगों को जैसे बताया, वो उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम अपनी जिम्मेदारी पर, हम ठीक है ट्रीटमेंट नहीं करते। तो उन्होंने कह रहे ऐसे कि इनकी मम्मी थी। तो हमारा आज की वीडियो बनाने का मकसद केवल यही है कि बार बार हम अपनी वीडियो में कहते हैं कि आप हमारी वीडियो देखकर नकल करने की कोशिश ना करें। बिना जानकारी के आप अगर सांप पकड़ेंगे, यानी कि सांप पकड़ना काम केवल एक एक्सपर्ट का होता है जिनको काफ़ी अनुभव होता है। आप अगर सांप बिना जानकारी के पकड़ेंगे तो आपके साथ हादसा हो सकता है, और आज ठीक ऐसे ही हुआ। इस भाई ने उस सांप को बचाने के चक्कर में ये नहीं देखा कि उस सांप जहरीला है या नहीं है, हालांकि जहरीला सांप नहीं था। तो फिर भी हम ये कहते हैं कि कोई भी वीडियो देखकर नकल करने की कोशिश ना करें, इस वीडियो में सांप पकड़ते हुए लोगों को देखकर सांप पकड़ने की कोशिश ना करें। पहले अनुभव लें, पूरी प्रैक्टिस करें, तब फील्ड में उतरें। तो चलिए, ये बात तो यहाँ ठीक है, अभी ये बिल्कुल स्वस्थ है। अभी इसका कुछ ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में किया और कुछ बाकी इसको ट्रीटमेंट मैंने दिया, केवल वो मैंने ट्रीटमेंट इसको दिया है जो एक अंधविश्वास को दूर कर सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति के अंदर डर घुस जाता है, तो डर निकालने के लिए हमें क्या करना है, वो हमने इसके साथ किया है। अभी बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह कोई दिक्कत इसको नहीं, ये पट्टी कर दिए, थोड़ी सी दवाई लगा दी तो ये ठीक है, क्योंकि सांप के काटने से काफ़ी ब्लड निकलता है। तो चलिए, ये तो बिल्कुल ठीक है, और कोशिश करेगा आप लोग कि कोई भी कहीं भी कोई सांप अगर आप है आपके आसपास, तो उसे आप खुद ना पकड़े, आप हमें फ़ोन करें, हम आपको और सांप को दोनों को बचाएंगे। तो ये इनकी मम्मी है, अभी ये कुछ एक जानकारी हमें दे रही थी, तो मैं चाहूँगा कि उस जानकारी को मैं आप तक पहुँचाऊँ इस वीडियो के माध्यम से। हर एक व्यक्ति के पास ये जानकारी जानी चाहिए। आप जितने भी उसके वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करें या ना करें, लेकिन आप शेयर जरूर करना। तो बताइए आपके साथ कैसा हुआ था। जी, मैं संतली से बोल रही हूँ, अभिषेक की मम्मी, सतेड़ी गांव से। नमस्ते सबको। मेरे कुछ दिन पहले मैं जंगल में घास काट रही थी, तो मुझे ततैये ने काट लिया, और मैं जो घास उठा के चली तो मुझे आगे से सांप चमक गया। तो मैंने सोचा भाई सांप ने काट लिया मेरे, तो मैं घबरा गई बहुत ज्यादा। और तो वहां पे जो आदमी थे वे इकट्ठे होकर उन्होंने मुझे नीम के पत्ते खुआए, तो मुझे नीम के पत्ते बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगे, मीठे लगे बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूँ बिल्कुल मीठे लगे। तो इसलिए सांप ने नहीं काटा था। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा भाई सांप ने नहीं काटा है बिल्कुल भी, और फिर मुझे संतुष्टि हुई और घर आई। तो आप ध्यान रखेंगे, ये जानकारी हम आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं कि ज्यादातर जैसे सांप काटता है, लोग क्या करते हैं, स्थानीय लोग उसको काफ़ी डरा देते हैं। डर के कारण जैसे वो लोग उसको पहले से चली पड़ता है कि नीम के पत्ते खिला दो, उससे पता चल जाएगा कि इसको सांप ने काटा या नहीं काटा। तो जैसे नीम के पत्ते खिलाते हैं और वो उसको उस समय वो उसका अनुभव नहीं कर पाता कि कैसे है कैसे नहीं, तो वो मीठे बता देता है। तो ये समझिएगा, जैसे आप ध्यान रखिएगा, इस जो बहन जी हैं इनको ततैये ने काटा, सांप इनको इन्होंने देख लिया, तो इनके अंदर एक डर और भयम हो गया, काफ़ी डर गई। तो डरने के कारण एक साइकोलॉजिक इफेक्ट पड़ता है माइंड पर, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है डर के कारण। तो जैसे डर होता है और उसको नीम के पत्ते खिलाते हैं, तो उसको एहसास नहीं हो पाता कि पत्ते कड़वे हैं या मीठे हैं, काफ़ी डर के कारण। तो इसीलिए लोगों के अंदर एक अंधविश्वास है, काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास है कि नीम के पत्ते खिला कर देख लो जहर शरीर में गया नहीं गया।
अगर वे नीम के पत्ते खिला कर ये सोचते हैं कि मीठे लगेंगे तो ये समझ लो जहर गया, और कड़वे लगेंगे तो नहीं गया। तो आप इस बहन जी से आप आइडिया लगाइएगा, जैसे ये बता रही हैं पत्ते इन्हें काटा और नीम के पत्ते खिलाए, फिर भी इनको वो जो कड़वेपन है वो इनको नहीं महसूस हुआ, यानी कि नीम इनको कड़वे नहीं लगे। तो क्यों नहीं लगे? अगर सांप काटता और जहर जाता तो हो सकता है ऐसा होता था, लेकिन नहीं, इनके अंदर एक बहम साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा, माइंड डिस्टर्ब हुआ, डरा, तो डर के कारण उसका जो रियल होता है नीम का वो इनको एहसास नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि सांप काटे और नीम के पत्ते खिला दो और कड़वे मीठे लगे उससे पता लगे, तो ऐसा आप ना करें। जब भी आपको कोई भी सांप बाइट कर जाए आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, कभी भी झाड़ फूक झाड़ होने के चक्कर में आपना पड़े, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मरना पड़ सकता है। ध्यान रखिएगा, हमारी वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को केवल जागरूक करना होता है, अंधविश्वास को दूर करना होता है, क्योंकि अंधविश्वास के कारण काफ़ी मृत्यु होती है और हमें चाहेंगे ऐसा ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ये लड़का बिल्कुल स्वस्थ है, किसी तरह की इसको कोई दिक्कत नहीं है, इनकी मम्मी काफ़ी डरी हुई थी, आज हमने इनका डर निकाल दिया और अभी स्वस्थ है, अभी इनको हम घर छोड़ने के लिए जाएंगे अपनी ही गाड़ी से, क्योंकि इनके पास कोई व्यवस्था भी नहीं है जाने की। तो अब आपको कोई दिक्कत जी नहीं, अब जब लड़के के प्रति बिल्कुल स्वस्थ हो, नहीं अब तो मैं बिल्कुल, तो मैं किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, तो अब सांप नहीं पकड़ोगे नहीं बिना जानकारी के, तो ध्यान रखेगा बिना जानकारी के अभी सांप ना पकड़े। मैं समझता हूँ ये जानकारी आप लोगों को शेयर करेंगे जिससे उनकी भी जान बच सके और अंधविश्वासों से आप दूर हो सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।